खामोशी में अपना हुनर छुपा लेती हूँ, बाहरी दुनिया में अपना घूंघट चढ़ा लेती हूँ। बंद मुट्ठी में जहाँ बसाना तो मुझे भी आता है, मगर इन कायरों के डर से इन रिवाजों को अपना लेती हूँ। You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything. इंडिया विश्व की एकमात्र कंट्री जहां महिलाओं की पूजा की जाती है। यहां देवी देवता भगवानों में से शीर्ष पर देवियां ही विराजमान हैं। देवी देवताओं में से इंपॉर्टेंस देवियों की ही दी जाती है, यानी महिलाओं की पूजा की जाती है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन वही दूसरी ओर शर्म की बात यह है कि हमारे देश की जो वास्तविक महिलाएं हैं, वास्तविक देवियां हैं हमारे देश की महिलाएं, उनकी सम्मान करना पूजा करना तो दूर की बात है, उन्हें उनका हक भी नहीं दे पा रहे हैं। आए दिन उनके साथ जुर्म किए जा रहे हैं, अत्याचार, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, बलात्कार और ना जाने क्या क्या बुराइयां सिर्फ महिलाओं के साथ होते जा रहे हैं। आखिर कब तक ये ऐसा सहते रहेंगी और कब इन्हें इनका अधिकार मिल पाएगा? आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट ला रही है जहां पे महिलाओं की शादी करने की उम्र 18 से बढ़ा के 21 कर दी जाएगी, यानी लड़कियों के उम्र लड़कों के बराबर हो जाएगी, लड़का लड़की समान हो जाएंगे। लेकिन कुछ महानुभाव लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये लोग वही लोग हैं जो महिलाओं को दबाते आ रहे हैं, उनसे उनका मान सम्मान, अधिकार, स्वतंत्रता को छीनते आए हैं। क्या ये नहीं चाहते कि महिला पुरुषों के बराबर आए या उनसे आगे निकल जाए? ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो ऐसी सोच रखते हैं। इस वीडियो में हम आगे जानते हैं कि महिलाओं की कब कब कैसी स्थिति रही है भारत में, किस काल में महिलाओं की स्थिति कैसी रही है। इसकी शुरुआत करते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, ये बात है 4 से 5 हजार साल पुरानी, लेकिन इनकी सोच हमसे भी लाखों साल आगे थी। कैसे? देखिए, वहां पुरुषों की नहीं चलती थी, वहां चलती थी महिलाओं की। घर का मुखिया पुरुष ना होकर महिलाएं होती थी, इसलिए सारे डिसीजन महिला लिया करती थी। वहां देवी देवताओं की तो पूजा की जाती थी, वहां देवियों की वजह की जाती थी, लेकिन साथ साथ वहां की जो महिलाएं हैं, वहां की वास्तविक देवी, उनका भी मान सम्मान उतना ही किया जाता था। वहां जो अभी कलयुग में जैसे हो रहे हैं हमारे समाज में पुरुष महिलाओं के साथ अत्याचार, वैसा वहां कुछ भी नहीं हुआ करता था। वहां मात्र सत्तात्मक समाज था, सही मायने में सभ्य समाज वही था जहां पे महिलाओं की इतनी इज्जत हुआ करती थी, वहां महिलाओं को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मुझे लगता है शायद भारतीय इतिहास का वो महिलाओं के लिए गोल्डन इरा था, सुनहरा काल था। अब आपको क्या लगता है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हड़प्पा काल के बाद वैदिक काल तक महिलाओं की स्थिति अच्छी बनी रही, लेकिन उसके बाद भारत का पूरा प्राचीन इतिहास से लेकर मध्य काल और आधुनिक काल तक महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन गिरती चली गई। सारे नियम कानून और पाबंदी सिर्फ महिलाओं पे लगाए जाते थे। इन नियम कानून में जैसे बाल विवाह, इसमें 40 से 50 साल के बुजुर्ग यानी ऑलमोस्ट बुड्ढे की 8 से 10 साल की छोटी छोटी बच्चियों से शादी करा दी जाती थी, यानी उन बच्चियों का बाल विवाह करा दिया जाता था। और कुछ साल शादी होने के बाद जब वो बुजुर्ग का सर्गवास हो जाता था तो उस बुजुर्ग के चिता के साथ साथ इन बच्चियों का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता था, यानी उन बच्चियों को सती प्रथा के भेंट चढ़ा दिया जाता था। कितनी बुरी कंडीशन थी। और जब इस सती प्रथा से कुछ बच्चियां बच जाती थी तो उन बच्चियों को सारी जिंदगी विधवा रहना पड़ता था, उनका फिर से विवाह नहीं हो सकता था, यानी उस समय में पुनर्विवाह भी वर्जित था। इतना कुछ होता था महिलाओं के साथ। साथ ही साथ महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना, पुरुषों के द्वारा उनसे सिर्फ कठपुतली की तरह व्यवहार किया जाता था, और ये पाबंदियां दिन ब दिन सख्त होती चली गई। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में हमारे देश में कुछ महान हस्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने महिलाओं के विकास में बहुत ज्यादा काम किया, जैसे राजा राम मोहन राय जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, पंडित रामाबाई सरस्वती जी। इन्होंने महिलाओं के उद्धार के लिए जैसे सती प्रथा पर रोक लगाई, बाल विवाह पर रोक लगाई, स्त्री शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया, विधवा पुनर्वाह पे जोर दिया। इन्होंने बहुत काम किया महिलाओं के विकास के लिए। लेकिन हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे बाल विवाह की।
कि बाल विवाह को रोकथाम के लिए क्या क्या कानून बने और कब कब ये विकास होते चला गया बाल विवाह को रोकने के लिए। चाइल्ड मैरिज को रोकने की शुरुआत अंग्रेजों के जमाने से हुई। अंग्रेजों ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लाए। इसके तहत लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। लेकिन ये एक्ट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर इसके लगभग 20 साल बाद अंग्रेजों ने एक नया एक्ट लाए जिसे एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहा गया। इसमें लड़कियों की न्यूनतम उम्र थोड़ी सी घटा दी गई, यहाँ पे 14 की जगह 12 वर्ष कर दी गई। लेकिन ये एक्ट भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। अंग्रेजों के जमाने का सबसे प्रभावशाली अधिनियम रहा इसके लिए 1929 में लाया गया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, यानी बाल विवाह निरोधक अधिनियम, इसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। इसमें प्रावधान किया गया कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई, लेकिन लड़कों की शादी की उम्र 18 वर्ष की गई, जो कि यहाँ पे लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव को दिखाता है। यही भेदभाव स्वतंत्रता तक रहा, हमारे जब तक स्वतंत्रता मिली तब तक रहा। फिर उसके बाद 1978 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसे संशोधित किया गया, जहाँ पे लड़कियों की शादी की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 कर दी गई और लड़कों की शादी की उम्र न्यूनतम 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। यहाँ पर भी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कोई इसमें भेदभाव को खत्म नहीं किया गया और यह लगातार ही चलता रहा अभी तक के। लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट द्वारा फाइनली इसके लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया, जो कि लड़कियों के साथ लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है मोदी गवर्नमेंट तरफ से। यहाँ पे दोनों का भेदभाव खत्म करते हुए लड़की की शादी की उम्र, लड़कों की शादी की उम्र दोनों को बराबर कर दी गई 21-21 साल। ये डिसीजन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियां और मिडिल क्लास में रहने वाली उन लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा जिनकी शादी 12वीं क्लास के बाद कर दी जाती है। जी हाँ, हमारे देश में आज अभी भी बहुत सारी लड़कियों की शादी 12वीं क्लास के बाद ही कर दी जाती है। ये डिसीजन उनको प्रत्यक्ष रूप से बहुत लाभ पहुंचाएगा। जैसे लड़कियों की शादी देरी से होने से उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए मौका मिलेगा और साथ ही साथ उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा मिल पाएगी, जिससे कि वुमन एम्पावरमेंट डायरेक्टली बढ़ जाएगा। साथ ही साथ 21 वर्ष उम्र हो जाने से देश में शिशु मृत्यु दर और मात मृत्यु दर में बहुत कमी आ जाएगी। आज भी हमारे देश में 18 वर्ष की उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जिससे कि कम उम्र में मां बनने से मां और बच्चे दोनों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। और मैडम हरलाल का भी मानना है कि मां बनने के लिए लड़कियों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए यह डिसीजन बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ महानुभाव लोग इसका विरोध कर रहे हैं। रिसेंटली प्रियंका गांधी जी द्वारा एक घोषणा की गई है कि यूपी विधानसभा क्षेत्र की उनकी 40% सीट महिलाओं को दी जाएगी। यदि यही डिसीजन दूसरी पार्टियां भी लेती हैं, दूसरी सभी पार्टियां ये डिसीजन लेती हैं, तो सरकार में महिलाओं की दावेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और महिलाओं की दावेदारी बढ़ने से यहाँ महिलाओं को अनदेखा नहीं किया जाएगा और पुरुषों और महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हमारे सभी पुरुष प्रधानमंत्रियों पे भारी हैं और उनसे आगे हैं, इसलिए महिलाओं का आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।